हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। जैसा कि आपने देखा है कि मैं मार्केट आया हूँ जगतपुरी में, और हमने खूब सारे वीडियोस बनाए हैं। यहाँ पर हमने एक सिंक का वीडियो बनाया है, क्वार्ट्स का वीडियो बनाया है, टाइल्स की वीडियोस बनाए हैं। तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो चीज़ों को कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, जिसमें स्टेनलेस स्टील सिंक और क्वार्ट्स के सिंक को हेड ऑन कंपेयर करके दिखाएंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, साइजेस के डिफरेंसेस क्या हैं, इनके मटेरियल के डिफरेंसेस क्या हैं, कौन सा अच्छा है, कौन से में क्या डीमेरिट्स हैं। और उस सब को करने के लिए हमारे साथ शुभम है। शुभम, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। थैंक यू। प्लीज टेल आवर यूजर्स एंड व्यूअर्स की क्या डिफरेंसेस हैं और हम क्या क्या सिंक के बारे में बात करेंगे। हाँ जी भैया, जैसे हमने पहली दो वीडियोज में डिटेल में देखा क्वार्ट्स क्या है और स्टील क्या है, तो अभी हम दोनों का एक्चुअल कंपैरिजन कर रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके देखेंगे। कई सारी चीज़ें तो बहुत टेक्निकल चली जाती हैं जो कस्टमर को मैटर करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस पे कि कस्टमर क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और क्या क्या उनके लिए मैटर करती हैं चीज़ें, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेरी गुड। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेनलेस स्टील का सिंक ऑफ अ सिंगल बोल्ट टाइप, और उसी को कंपेयर करते हैं क्वार्ट्स के साथ। राइट। तो जैसे भी आप, पहले तो इट गोज विदाउट सेइंग कि स्टील अगर हम बात कर रहे हैं, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कस्टमर 304 ग्रेड स्टील की बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर हम 202 ग्रेड का स्टील कस्टमर ले रहा है, फिर तो क्वार्ट्स से कोई कंपैरिजन रह ही नहीं जाता है। क्वार्ट्स का किसी से भी कोई कंपैरिजन आ जाता है तो वो बहुत लो ग्रेड हो जाता है। 304 ग्रेड है, तो अगेन हर जैसे 304 ग्रेड अगर हम स्टील की कंपेयर कर रहे हैं, अभी हम ये दो सिंक्स को लेके कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। सेम डिफरेंसेस रहेंगे चाहे हम डबल बॉल लें, डबल बॉल विल ड्रेन लें, सिंगल बॉल विल ड्रेन लें। तो स्टार्टिंग विद स्टील, स्टील में क्या है, एक तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज़ अ प्रोडक्ट फॉर लाइफ टाइम। ये कई सालों से चलता आ रहा है और कई सालों तक चलता रहेगा, मेरे को लगता नहीं है कभी भी मार्केट से आउट होगा। एक तो क्या है, स्टील की अवेलेबिलिटी हर जगह ईजीली हो जाती है। कंपैरिजन में अगर हम देखें स्टील वर्सेस क्वार्ट्ज, तो स्टील कुछ सस्ता पड़ता है क्वार्ट्ज से कंपैरिजन में। दूसरा, स्टील अगर हम टीयर टू टीयर थ्री सिटीज़ की बात करें जहाँ पे अवेयरनेस इतनी नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें, तो स्टील क्योंकि हल्का भी होता है तो ईजीली पहुँच जाता है, हर जगह अवेलेबिलिटी होती है, और मेरे को लगता नहीं है मार्केट से कभी आउट होने वाला है। तो एवरग्रीन है स्टील, एवरग्रीन है। तो पहला कंपैरिजन का पॉइंट हो गया अवेलेबिलिटी, कि स्टील के सिंक्स पैन इंडिया टीयर टू टीयर थ्री टीयर वन सब सिटीज़ में मिल जाते हैं, वेरस जो क्वार्ट्स के सिंक होते हैं वो हो सकता है आपको सब जगह ना मिलें। लिमिटेड डीलर्स होंगे, लिमिटेड डीलरशिप नेटवर्क होगा, टीयर वन और टीयर टू सिटीज़ में मिल जाएंगे, हो सकता है टीयर थ्री में ना मिल पाए या उसका सर्विस नेटवर्क वहाँ पर ना हो। तो पहला कंपेरिजन हो गया अवेलेबिलिटी का दोनों चीज़ों के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड कंपेरिजन, विच इज़ द ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से कौन सा क्या है भाई, ड्यूरेबिलिटी अगर हम रियल वर्ल्ड सेंस में देखें, जो हमारा यूज़ होना है ड्यूरेबिलिटी, आप दोनों में से कोई भी सिंक आँख बंद करके लगा लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन अगर बिल्कुल एकदम उतरना ही है कंपैरिजन में, तो स्टील थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल निकलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टील सिंक लेके फर्स्ट फ्लोर से नीचे फेंक भी दूँ तो शायद उसमें डेंट वेंट आएगा, लेकिन शायद टूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं क्वार्ट्ज सिंक फर्स्ट फ्लोर से लेके फेंक दूँ तो डेफिनेटली टूट जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमें कोई सिंक फेंकना तो है नहीं, करेक्ट। आपके बर्तन यूज़ होने हैं, तो क्वार्ट्ज सिंक्स मैं 2005 से मेरे शोरूम पे बिक रहा है मार्केट में, और उससे पहले से बिक रहा है, तो कोई भी आपको सिंगल इंस्टेंस नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको सिंक टूटा हो या क्रैक आया या क्रैक आया या कोई प्रॉब्लम आई हो। तो अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, फॉर माय व्यूअर्स आई विल से कि आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो दोनों की ड्यूरेबिलिटी इक्विवेलेंट है। किचन के पर्सपेक्टिव से दोनों ही अच्छे ड्यूरेबल हैं, बट यस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल क्वार्ट्स एक फ्रजाइल मटेरियल है एंड वेर स्टेनलेस स्टील इज अ मोर ड्यूरेबल मटेरियल, पर एनी वेज आई विल रिकमेंड दोनों ड्यूरेबिलिटी के सेंस में सिमिलर लाइन्स पे लाई करते हैं। चलो अब तीसरे कंपेरिजन की बात करते हैं, इनकी शेप्स। सो शेप्स के बारे में आपको क्या थॉट है? शेप में भी अगर हम ये राउंड पंच लेते हैं जो हमारे मोर अफोर्डेबल सिंक्स होते हैं, तो उनमें हमारी यूटेंसिल की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो हम प्रेफर करते हैं, अगर आप स्टील ले रहे हैं तो गो फॉर स्क्वायर सिंक्स। जब आप स्क्वायर सिंक्स पे जाते हैं तो उनका रेट्स आ जाता है बराबर क्वार्ट्ज के ऑलमोस्ट, तो फिर वहाँ पे कंपैरिजन करना और डिफ़िकल्ट हो जाता है, कस्टमर के लिए चॉइसेस और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम प्राइस ब्रैकेट पे आ जाता है। तो अगर मैं शेप की बात करूं, जैसे सिंगल डबल बॉल विद ड्रेन्स एंड एवरी कॉम्बिनेशन में स्टील आता है, वैसे ही उसी कॉम्बिनेशन में क्वार्ट्ज भी आते हैं। तो अगर हम शेप्स की बात करें, तो क्वार्ट्ज में शेप्स स्क्वायर रेक्टेंगुलर के अलावा भी कोई होती हैं,
क्या कैन वी टेक कंप्लीट राउंड बॉल आ जाता है जो वेजिटेबल बॉल के लिए यूज होता है, लेकिन वो इसमें ऐसे वैरायटीज बहुत सारी हैं, लेकिन लार्जली जो कस्टमर्स देखते हैं कई वो होते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो ऐसे हर शेप में, ऐसे स्टील में भी राउंड आ जाते हैं, कुछ अटपटे शेप्स आ जाते हैं, एक क्वार्ट्ज में सिंक आता है पतला लंबा सिंक होता है वो बार के लिए यूज़ होता है, लेकिन बिकते नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर हम रियलिस्टिक टर्म्स में बात करें तो शेप्स में लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, दोनों ही सिमिलर आ जाते हैं। दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट कि शेप्स लगभग सिमिलर ही हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो, थोड़ा बहुत स्टेनलेस स्टील में राउंड शेप्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, अदरवाइज वो सेम होता है। अब चौथे कंपैरिजन की बात करते हैं शुभम इसके अंदर, विच इज़ आई मीन द डेप्थ। सो जो इसकी जो बोल की डेप्थ होती है, तो हमने विड्थ की बात कर ली, हमने ड्यूरेबिलिटी की बात कर ली, इसकी गहराई की बात कर लेते हैं, तो गहराई में दोनों का कंपैरिजन कैसा है? हाँ जी भैया, गहराई में क्या होता है, गहराई मैटर करती है जब हम ये राउंड बॉल्स लेते हैं जो डीप ड्रॉन बॉल्स होते हैं, क्योंकि इनमें नीचे कर्वेचर होता है, साइड में स्पेस वेस्ट होती है, बर्तन लुढ़क के बीच में आते हैं इसमें, तो इसमें डेप्थ बहुत मैटर करती है क्योंकि हमें कैपेसिटी बढ़ानी है अपने सिंक की। तो स्टैंडर्ड जो डेप्थ होती है वो 8 इंचेस होती है, लेकिन अगर आप ये डीप ड्रॉन सिंक्स ले रहे हैं तो आई सजेस्ट मिनिमम आप 9 इंचेस डेप्थ पे जाइए। अच्छा, लेकिन अगर हम फ्लैट बेड पे जाते हैं, चाहे वो क्वार्ट्ज हो चाहे वो स्टील का हो, तो उसमें डेप्थ स्टैंडर्ड 8 इंचेस आती है, विच इज़ इक्वली आप उसमें 9 भी ले लेंगे 10 भी ले लेंगे, क्योंकि फ्लैट बेड है तो हीप बन के बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है, उसमें डेप्थ में फर्क नहीं सेम आएगा। तो मतलब डेप्थ विल बी सेम अगर हम स्टेनलेस स्टील सिंक की बात करें, उसमें फ्लैट की बात करें, अगर हम ऐसे ड्रोन वालों की बात करें तो इसमें 9 इंचेस मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज दोनों को 8 इंचेस या 9 इंचेस में प्ले किया, किसी में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेयर इनफ। सो अब हम कलर की बात कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। सो कलर्स में क्या वैरायटी है दोनों ही ऑप्शंस में, स्टेनलेस स्टील एंड क्वार्ट्ज में, थोड़ा उस पे बताइए। स्टील में लार्जली हमारे पास स्टीली फिनिश आती है, उसमें एक ग्लॉस आती है और एक मैट आती है, तो मैट हमारी बेटर फिनिश होती है क्योंकि उसमें स्क्रैचेस नहीं आते हैं। इसके अलावा स्टील में अभी 3 कलर्स और इंट्रोड्यूस हुए हैं, पीवीडी कोटेड में ब्लैक कलर, गोल्ड कलर और रोज गोल्ड कलर, लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी अभी पता नहीं है, बहुत लेटेस्ट है मार्केट में। कंपनी जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो बोलती यही है कि बहुत ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट उसकी गारंटी अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज हमारा बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट है और उसमें कलर ऑप्शंस बहुत आ जाते हैं, 8-10 कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, और अलग अलग कंपनीज के इकट्ठे देखें तो कलर ऑप्शन 13-14-15 कलर ऑप्शंस बन जाते हैं हमारे पास। वेरी गुड। तो आप अपने क्वार्ट्ज सिंक से, आपके स्लैब से, मार्बल से, टाइल से, कैबिनेट से, कैसे भी कर सकते हैं, तो एस्थेटिकली क्वार्ट्ज हमारा बेटर दिखता है और उसको आप कलर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर मैचिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। सो अब अगर हम शुभम की बात करें, तो उसने बताया कि स्टेनलेस स्टील में 2 कलर ऑप्शंस मैट एंड ग्लॉस फिनिश में ज़्यादा आता है। मैं ज़्यादातर पीवीडी कोटिंग नहीं रिकमेंड करता क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट है, कितना ड्यूरेबल है, वाटर से कितना रेजिस्टेंस है, उसकी क्या आई मीन रिएक्शंस होंगे नहीं पता, बट डेफिनेटली अगर क्वार्ट्ज की बात करो तो इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो कि पॉपुलर, ब्लैक, क्रीम, वाइट, तो अक्सर मैं देखता हूँ लोग किचन में लगाते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ कलर्स डेफिनेटली क्वार्ट्ज विन ओवर स्टेनलेस स्टील बाय फार। सो अब शुभम हम नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं सिंक का, विच इज़ द हीट, जो कि अक्सर मेरे से भी एज डिज़ाइनर बहुत लोग पूछते हैं कि आप बताएं कि किस में हीट की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हम गरम कढ़ाई, हम इंडिया में हैं और हम गरम कढ़ाई, गरम कुकर यूज़ करते हैं, ख़राब तो नहीं होगा? आपका क्या टेक है उसमें? देखो, स्टील में तो कुछ होना ही नहीं है, डाउट आता है क्वार्ट्ज को लेके। तो क्वार्ट्ज में लोगों को लगता है कहीं ये फाइबर का प्रोडक्ट तो नहीं है कुछ, इसमें जैसे हमारा कोरियन स्लैब्स जो बनती है, कोई कोरियन का प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई रेजिन या एक्रेलिक प्रोडक्ट तो नहीं है। नहीं है, दिस इज़ क्वार्ट्ज, दिस इज़ सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड, तो इसमें और 80% प्योर क्वार्ट्ज यूज होता है इसको बनाने के लिए, तो इसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप इसमें खोलता हुआ तेल भी डाल देंगे, आप इस पे आग भी लगा देंगे, तो टोटल फायर प्रूफ है, इसको आग से कुछ नहीं होता। सो ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ा रिलीफ है हमारे व्यूवर्स के लिए जिनके मन में डाउट होता है, और ये होता ही है। एज टेक्निकली एक्सपर्ट शुभम ने हमें बताया कि बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप गर्म चीज़ रख भी देते हैं क्वार्ट्ज के सिंक के अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट फॉर पीपल शुभम। सो अब मैं बात करता हूँ साउंड की, तो कंपैरिजन अगर हम करें साउंड से शुभम, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन द साउंड? बे, साउंड इज़ अ डिपार्टमेंट जहाँ पे कोई कंपैरिजन बचता ही नहीं है। अगर साउंड किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे फ्लैट्स में आजकल देखा गया है कि ओपन किचन वाला कंसेप्ट है और सारे ड्राइंग रूम्स कनेक्टेड हैं, वहीं पे किचन है,
तो जब भी यूटेंसिल वॉश होते हैं तो बहुत लाउड साउंड होती है, और ये बल्कि आजकल बहुत हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, कहते हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहते हैं हमारी मीटिंग चल रही होती है, मेड उस कोने में बर्तन धो रही होती है, पूरे घर में आवाज़ गूंज रही होती है। तो उसके लिए क्वार्ट्ज तो एक श्योर शॉट विनर है, क्योंकि क्वार्ट्ज एक मार्बल, एक उस टाइप का मटेरियल है जिसमें साउंड रेजोनेट नहीं होती है। इसमें साउंड स्टील में रेजोनेट होती है, उसकी साउंड सप्रेस करने के लिए पैडिंग लगा देते हैं, कुछ कोटिंग कर देते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक सप्रेस कर देती है, 10-15-20% शायद कर देती होगी, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं करती है, इफेक्टिव नहीं है। सो अगर आप साउंड की कंपैरिजन की बात करें, अक्सर लोगों के मन में डाउट होता है, मुझे लगता है क्वार्ट्ज 100% उसके ऊपर विन ओवर करता है, तो स्टेनलेस स्टील में डेफिनेटली कट बर्तन की सब आवाज़ ज़रूर आती है, आपको पुराना भी याद होगा, पर नए क्वार्ट्ज में वो नहीं आती है, तो इस पर भी क्वार्ट्ज विन ओवर करता है। अब हम प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं शुभम, अगर हम एक अच्छा 304 का सिंक लें, एक अच्छी कंपनी का लेते हैं, एक सिमिलर ब्रांड लें, कैरेसिल में ही ले लें, और कैरेसिल का एक क्वार्ट्ज का सिंक ले लें सिंगल बोल, तो व्हाट डू यू सी कि कितना डिफरेंस होगा डेल्टा भैया इसमें? अगर हम बात करते हैं राउंड पंच वालों की जो ड्रॉन होते हैं, तो वो उससे कंपेरिजन में 30-40% सस्ते होते हैं क्वार्ट्ज से। अगर मैं इस सिंक की बात करूँगा, 24-18 एक बेसिक सिंक की हम बात करते हैं, तो 3,000-3,500 रुपए के बीच तक हमारे इस टाइप के सिंक्स आ जाते हैं। वेयर इज क्वार्ट्ज वुड स्टार्ट फ्रॉम 5,500 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन द कलर। एक जनरली जो होता है ट्रेंड होता है, जितना डार्क कलर है उतना प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे प्राइस में देखें, तो फिर हमारा स्टील वाला डीप ड्रॉन सिंक बेटर प्राइस है, इकोनॉमिकली प्राइस है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उस पे स्क्वायर पे, जो हैंडमेड या वेल्डेड सिंक जिनको बोलते हैं, तो प्राइस ऑलमोस्ट नेक टू नेक आ जाते हैं, 500-700 रुपए किसी के ऊपर तो किसी के कम, और ये कहानी ऑलमोस्ट हर कंपनी में सेम ही है। ओके, सो दैट मींस गाइस कि प्राइस इतना बड़ा सेंसिटिव पॉइंट नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिंक ऑफ एसएस एंड क्वार्ट्ज। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो, आपको टाइप ऑफ सिंक कौन सा लेना है वो क्लियर हो। अगर आप एक अच्छा एसएस का सिंक लेते हैं और एक अच्छा क्वार्ट्ज का सिंक लेते हैं, ऑलमोस्ट बराबर रेट का ही पड़ने वाला है, जैसा कि वो आजकल जैसे स्क्वायर देखते हैं। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कस्टमर्स को कंफ्यूजन बहुत होती है, जैसे ये जो स्क्वायर सिंक्स हैं, हमने जो डिटेल वीडियो बनाई थी स्टेनलेस स्टील की, उसमें मैंने आपको एक चाइनीज़ प्रोडक्ट दिखाया था, वो स्क्वायर है। जो सेम अगर हम एक ब्रांड में देख रहे हैं जो हमारा 5-6-7-8 हज़ार में आ रहा है, वो सेम चीज़ 1500 रुपये में आ रही है। तो मार्केट में कस्टमर आके बहुत कन्फ्यूज होते हैं, एक चीज़ 1500 की, सिमिलर लुकिंग चीज़ दूसरी की 7000 की, तो कस्टमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चूज। अगर वो 5000 और 6000 का फ़र्क होता तो शायद 1000 का लीप ले सकता था कस्टमर। तो अच्छे खासे कस्टमर जिनके पास पेइंग कैपेसिटी भी है, वो भी आके कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जो चाइनीज सिंक है उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो 202 ग्रेड है, 202 ग्रेड से भी नीचे है। चाइना में ग्रेडिंग सिस्टम इंडिया की तरह 202-304 नहीं चलता, डिफरेंट ग्रेड होता है, उठाने में वो भारी दिखता है, तो उसके अंदर क्या फिलिंग है क्या है नो वन नोज, वो बहुत क्लियरली डिटेल में बताते भी नहीं है, तो फिर कन्फ्यूजन वहाँ पर आ जाती है। और ऐसे ही अगर हम डीप ड्रॉन की बात करें तो 750,000 रुपये से सिंक भी स्टार्ट होता है। तो मैं एक कस्टमर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इनमें इसमें रैट रेस में ना फंसें, करेक्ट, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि आपके घर में बाथरूम 2-3-4-5 हो सकते हैं, किचन एक होता है, और इस सिंक को भी इंडिया में देखा गया है यूजली मेड्स को यूज़ करना होता है, तो बाय द बेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल। लॉन्ग रन में 4-5 हज़ार रुपये घर के रेनोवेशन में मैटर नहीं करते हैं, गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। वेरी गुड, सो आई थिंक शुभम ने अपने आप अच्छे से समराइज कर दिया, हमारा कंपैरिजन ऑलमोस्ट कवर हो गया हर एक चीज़ को। इसमें एक बहुत की पॉइंट है आई फील शुभम, हमें वो बात भी करनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। सो बिकॉज आई फील एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल की अगर हम बात करें, आजकल लोग बहुत आफ्टर स्पेशली COVID-19 पीपल आर वेरी कॉशियस, तो आप बताओ कि कौन सा सिंक बेटर इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और एंटी बैक्टीरियल फंक्शनैलिटी के हिसाब से? तो जैसे जो हमारा स्टील सिंक होता है उसमें जैसे हमारे झूठे बर्तन होते हैं या पानी पड़ा रह जाता है, इनमें थोड़ा सा पानी की ड्रॉपलेट रह जाती है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं अपने क्वार्ट्ज में, तो क्वार्ट्ज में एक एंटी बैक्टीरियल कोटिंग होती है, जिसमें हम आपका अगर पानी पड़ा हुआ है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार आपका बैक्टीरियल ग्रोथ है, आपने बर्तन उसमें धोए दोबारा और वो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफ़र हो गया, आप तो सोचे बर्तन धुल गए लेकिन इनविजिबली आपके अंदर बैक्टीरियल जा रहे हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है उसमें, बहुत हैवी बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, लेकिन फ़र्क तो है ही, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है।
लवली. सो दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ एसएस के अंक चांसेस ज्यादा हैं होने के, हो या ना हो पता नहीं, होगा बैक्टीरियल ग्रोथ होगा. अब वो कितना हार्मफुल बैक्टीरिया है क्या है, कुछ ना कुछ उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी होगी, उसमें जो कोटिंग लगी हुई है उसकी वजह से वो किल हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं हो पाती, वो ग्रोथ नहीं हो पाती है. सो दैट्स वेरी नाइस, आई मीन दैट्स अ वेरी की पॉइंट. और एनवायरमेंट फ्रेंडली हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं मुझे लगता है उनको ये समझना चाहिए कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए. नॉट जस्ट थिंक बट ओवरऑल पूरे घर में आप कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर पा रहे हो, हेल्थ फ्रेंडली कर पा रहे हो, आई थिंक दैट इज़ द की. सो नेट नेट अगर मैं बात करूँ तो वॉट इज़ द टेक ऑन अ सिंक, आपकी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है फॉर अ एवरेज कस्टमर विद अ डिसेंट बजट? हाँ जी भैया, जैसे मैं स्टील और क्वार्ट्ज में बात करूँ, स्टील में आई विल रिकमेंड एक तो 300 चाक्रेट ज़रूर लीजिए अगर आप स्टील पे ही जा रहे हैं तो. और ये डीप ड्रॉन की जगह अगर आप फ्लैट बेड ले सकें तो फार बेटर होता है उससे. अगर आपका बजट बिल्कुल अलाउ नहीं करता, 300 चाक्रेट किसी भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए. अब आप पूछेंगे 300 चाक्रेट का हमें कैसे पता चलेगा 300 चाक्रेट का है या नहीं है, उसके लिए कोई भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी, निराली, नीलकंठ, जैना, अनुपम, हैकन, कैरिसल, इस टाइप के और 5-10 ब्रांड हैं, उनमें से कोई भी आप ले लीजिए, सबके अच्छे हैं. और डू रिमेंबर कि आप ज़रूर अपने दुकानदार से बिल लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, एक ठप्पा होता है, इट इज़ वेरी इजी टू डुप्लीकेट एज वेल. सो आप उसमें बिल लेंगे तो यू विल बी कवर्ड, यू विल मेक इट श्योर कि आपके पास उसी ब्रांड का प्रोडक्ट आपके पास आया है. तो अगर आप यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, अगर हमारा बजट 3-4 हज़ार रुपये या बहुत ज़्यादा नहीं है, कन्फ्यूजन आती है और या कंपैरिजन स्टार्ट होता है जब आप इस पे जा रहे हैं फ्लैट बेड पे, या जो हैंडमेड सिंक्स जो आते हैं, जब हम हैंडमेड सिंक्स पे जाते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइसेस सेम आ जाती है क्वार्ट्ज में. वहाँ पे जा रहे हैं फिर अब बहुत सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल लाइकिंग पे डिपेंड करती है. यहाँ पे आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस 80-90% कस्टमर कन्वर्ट हो जाते हैं क्वार्ट्ज पे. सिर्फ प्रॉब्लम यह है ज़्यादातर दुकानदार एजुकेट नहीं करना चाहते कस्टमर को, वो सोचते हैं कस्टमर जो मांग रहा है वो दे दो, टर्नओवर घुमाओ, आगे निकलो. अल्टीमेटली एज अगर मैं शॉपकीपर बात करूँ तो मेरे लिए से कैरेसल का ये पीस है, कैरेसल का ये पीस है, 4-5% मेरा मार्जिन इसमें, तो 4-5% मेरा मार्जिन उसमें है. तो दुकानदारों के पास बहुत इंसेंटिव नहीं होता टू एजुकेट यू, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि कस्टमर्स को पता चले 100%. और हमारा इंटेंट भी गाइज इस वीडियो का यही है कि आप लोगों को पता लगे एक्चुअल डिफरेंसेस, आप लोगों को पता लगे एक्चुअली में जो लोग बुद्धू बना रहे हैं मार्केट में क्या वो एक्चुअली में वो चीज़ें हैं कि नहीं. एज वेरी वेल सेड बाय शुभम कि आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए, आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए. आई एम श्योर दिस वीडियो विल हेल्प यू इन चूजिंग द राइट सिंक फॉर योर होम. अगर आपको ये घर और वीडियो हमारा पसंद आए, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया और आपको समझ में आया एक्चुअली में कि हमने कैसे इस सिंक को दोनों को डिफरेंशिएट किया, रिकमेंडेशन दोनों के लिए है, अगेन डिपेंड करता है आपका बजट, डिपेंड करता है आपका चॉइस एंड आपका एरिया, आप जहाँ से खरीद रहे हैं उसकी सर्विस पॉइंट है कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखें और हमारा वीडियो देखते रहें, प्यार करते रहें. साइनिंग इट ऑफ, शशांक जैन.